हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकिता उपाध्याय, आयुर्वेदा फैकल्टी, स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, सीतापुरा, जयपुर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ व्याधि क्षमत्व इन आयुर्वेदा। यू ऑल नो अबाउट इम्यूनिटी, दैट इज रोग प्रतिरोधक क्षमता, राइट? रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को ही आयुर्वेदा में व्याधि क्षमत्व नाम से परिभाषित किया गया है, ठीक है? व्याधि क्षमत्व में दो शब्द हैं, फर्स्ट व्याधि, सेकंड इज क्षमत्व, दैट इज व्याधि के बल का विरोध करना या नाश करना व्याधि क्षमत्व कहलाता है, ठीक है? आचार्य चक्रपाणि ने व्याधि क्षमत्व की बहुत ही सटीक परिभाषा दी है। That is, व्याधि क्षमत्वम, व्याधि बल विरोधित्वम, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति यावत। In this definition, two terms are there. First is व्याधि बल विरोधित्वम, that is व्याधि के बल का विरोध करना। Second term is व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम, that is व्याधि के उत्पन्न होने से रोकना। तो व्याधि क्षमत्व मतलब व्याधि के बल का विरोध करना एवं व्याधि को उत्पन्न होने से रोकना। इन आयुर्वेदा व्याधि क्षमत्व को हम दो चीजों से समझ सकते हैं, फर्स्ट इज ओज, सेकंड इज बल। नाउ कमिंग टू ओज। ओज परिभाषा, रस रक्त आदि सप्त धातुओं के उत्कृष्ट सारभूत अंश को ओज कहा गया है, दैट इज प्योर एसेंस ऑफ सप्त धातुज इज नोन एज ओज। नेक्स्ट इज ओज की उत्पत्ति एवं स्वरूप। प्रथमं जायते ही ओज शरीरे अस्मिन् शरीरिणाम्। ओज की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है मनुष्य के शरीर में। हृद तिष्ठति यत शुद्धम रक्तम ईशत पीतकम, और ये हृदय में रहता है और इसका वर्ण रक्त और कुछ पीलापन लिए हुए होता है, दैट इज द कलर ऑफ घी, राइट? इन आयुर्वेदा टेक्स्ट इट इज रिटन एज सर्पी वर्णम। सेकेंड आते हैं इसका गंध कैसा होता है, सर्पी वर्णम मधु रसम लाज गंधी प्रजायते। मधु रस दैट इज टेस्ट ऑफ हनी एंड लाज गंधी दैट इज लाजा की गंध के समान, दैट इज स्मेल लाइक फ्राइड पैडी, क्लियर? ओज के लिए कहा गया है कि इसके विनाश से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं अपन ओज के गुण, दैट इज फीचर्स और क्वालिटीज ऑफ ओज। संहिताओं में ओज के 10 गुण बताए गए हैं, दैट इज गुरु शीतम मृदु स्लक्षणम स्थिरम पहलम पिच्छलम प्रसन्नम स्निग्धम, राइट? नेक्स्ट आते हैं अपन ओज के भेद। ओज को दो भागों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट पर ओज, सेकंड अपर ओज। पर ओज का स्थान हृदय में बताया गया है और इसका प्रमाण होता है अष्ट बिंदु, दैट इज 8 ड्रॉप्स, और पर्टिकुलरली इसी ओज के लिए कहा गया है कि इसके विनाश से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सेकंड इज अपर ओज। अपर ओज इज लेस इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर्ड टू पर ओज, और ये संपूर्ण शरीर में रहता है। इसका प्रमाण बताया गया है अर्ध अंजलि, दैट इज आधा अंजलि। नेक्स्ट आते हैं ओज क्षीण के लक्षण, दैट इज वो सारे लक्षण जो क्षीण ओज वाले व्यक्ति में होते हैं। इसके लिए श्लोक में बताया गया है बिभेति दुर्बलो अभिक्षण ध्यायति व्यथित इंद्रिय दुष्छायो दुर्मना रुक्ष क्षामश्चैव ओजस
क्षय, बिभेति दैट इज अत्यधिक डरना, दुर्बलो दैट इज बहुत ज्यादा वीकनेस, ध्यायति दैट इज बहुत ज्यादा चिंतन मनन करना, व्यथित इंद्रिय दैट इज मनुष्य की इंद्रियां अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं होती, दैट इज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स, दुष्छायो दैट इज शरीर की प्राकृतिक छाया में विकृति, और रुक्षता। आचार्य सुश्रुत ने ओज क्षय की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है। वो तीन अवस्थाएं हैं ओजो विस्तृंस, ओजो व्यापक और ओजो क्षय। इन सब के लक्षण आप सुश्रुत संहिता में देख सकते हैं। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत थ्री स्टेजेस ऑफ ओज क्षय आर देयर। फर्स्ट इज ओजो विस्तृंस, सेकेंड ओजो व्यापक, एंड थर्ड ओजो क्षय। नेक्स्ट आते हैं अपन बल। ओज के ही सिनोनिम के रूप में बल को प्रयोग किया जाता है। बल के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज सहज बल, सेकेंड सहज बल, सेकेंड कालज बल, थर्ड युक्तिकृत बल। व्हाट इज सहज बल? जो मनुष्य में शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो बल प्राकृत अवस्था में रहता है, दैट इज प्रेजेंट नेचुरली बाय बर्थ। क्लियर? सेकेंड आते हैं कालज बल। कालज बल जो ऋतु एवं वय, दैट इज एज के अनुसार शरीर में घटता बढ़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीष्म ऋतु दैट इज इन समर्स, मनुष्य का जो प्राकृत बल है वो नेचुरली कम होता है, सबसे ज्यादा कम, और वही बल हेमंत और शिशि ऋतु में उत्तम होता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अपन युक्तिकृत बल, दैट इज वो बल जो युक्ति पूर्वक उचित आहार विहार एवं व्यायाम आदि से ग्रहण किया जाता है। राइट? दिस इज ऑल अबाउट बल। तो इन आयुर्वेदा व्याधिक क्षमत्व को अपन इन्हीं दो चीजों से समझ सकते हैं। अगेन लेट्स रिवाइज, व्याधिक क्षमत्व दैट इज व्याधि के बल का विरोध करना और व्याधि को उत्पन्न होने से रोकना। दो चीजों से समझा है, पहली ओज, सेकंड बल। ओज की परिभाषा, लक्षण, भेद, गुना, ये सारा अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बल इज ऑफ थ्री टाइप, सहज, कालज एंड युक्तिकृत। राइट? नाउ कमिंग टू द इम्यूनिटी, दैट इज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज डिजीज रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। क्लियर? इट्स ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज इननेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। इट कंप्राइजेस ऑफ फोर बैरियर्स, दैट इज फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइंस। नाउ मूविंग टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्वायर्ड इज अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। टू टाइप्स, फर्स्ट इज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेकेंड इज पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, नेचुरली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एग्जाम्पल लाइक इम्यूनिटी गेन थ्रू प्लेसेंटा और कोलेस्ट्रम। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी लाइक एंटी टॉक्सॉइड्स, एंटी वेनम्स, दैट्स ऑल। सो हियर वी कंप्लीट द टॉपिक व्याधि क्षमत्व। थैंक यू।